आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं हम जीएसटी रेट्स के लिए। यहाँ किसके लिए डिस्कशन करेंगे? गुड्स के बारे में। कुछ गुड्स के रेट्स एंड क्लासिफिकेशंस में डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए रिप्रेजेंटेशंस डाली गई थी और उन रिप्रेजेंटेशंस के बेस पे अब इन गुड्स के रेट्स चेंज हो गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं इन गुड्स में डील करते हो। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, पर पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको फिर कोई भी डाउट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। यहाँ जो सर्कुलर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर 163/19/2021 ऑफ जीएसटी, और इसमें जो क्लैरिफिकेशन है 163 नंबर सर्कुलर में वो है गुड्स की। सर्विसेज के लिए अलग सर्कुलर है, वो मैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी गुड्स के लिए क्लैरिफिकेशन दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं। पहले बात करेंगे फ्रेश वर्सेस ड्राई फ्रूट एंड नट्स। तो काफी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे क्लियर किया गया है, इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपको ले आई हूँ studybuddy.com पे। क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है जो हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनुअल एडॉन एंड 9C फाइनेंशियल 2021 की आपको 31 दिसंबर तक फाइल करनी है। इसका ये 3 आवर्स का हमारा सेशन है, आपको कोई भी इफ एंड बट नहीं रहेगा अगर आप ये सेशन लेंगे। हमारे सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप चाहें तो studybuddy.com को विजिट कर सकते हैं। तो पहला कंफ्यूजन जो आया था ये है फर्स्ट नंबर पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट एंड नट्स। यानी कि यहाँ पे दो कैटेगरीज में कंफ्यूजन थी, फ्रेश ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जैसे आलमंड्स, हेजलनट्स, वॉलनट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, इन पे कंफ्यूजन थी रेट को लेकर। यहाँ पे ये समझ नहीं आता था कि क्या इन पर नील रेट एप्लीकेबल होगा या 5 और 12%। तो यहां बोला गया कि क्योंकि फ्रेश नट्स फॉल करते हैं अंडर हेडिंग 801 एंड 802 एंड दीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, यानी कि फ्रेश अगर नट्स हैं तो फिर तो एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। जबकि ड्राइड नट्स की अगर हम बात करें तो इनपे अट्रैक्ट होता है जीएसटी रेट 5 और 12%, ठीक है। तो इनपे कंफ्यूजन थी कि ऐसा क्यों है, ड्राइड फ्रूट्स को भी नील की कैटेगरी में लाया जाना चाहिए। तो यहाँ बताया गया क्योंकि ड्राइड फ्रूट्स क्या है, ड्राइड फ्रूट्स पे आप एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हो, वेदर आप उनको कुक करते हो या नहीं, ड्राई करते हो उनको, उनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो, उनमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड करते हो, इसीलिए अगर फ्रेश ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ लिखा है एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी टू फ्रेश फ्रूट एंड नट्स कवर ओनली सच प्रोडक्ट्स विच आर नॉट फ्रोजन एंड ड्राइड इन एनी मैनर एज स्टेटेड अबव और अदरवाइज प्रोसेस। तो यहाँ पे मैनर्स भी बताइए कि किस तरह से ड्राई किया जा सकता है नट्स को, आप चाहें तो यहाँ इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ड्राइड हो गया जैसे इंक्लूडिंग डिहाइड्रेटेड, इवेपोरेटेड और फ्रीज ड्राइड एक्सेट्रा। तो अगर नट्स को फ्रोज किया गया है या ड्राई किया गया है इन एनी मैनर, ठीक है, तो उन पे नील रेट ऑफ जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो उन पर जीएसटी रेट आएगा 5 या 12% एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव रेट्स शीट, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन ये दे दी गई। सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा आया, जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई वो मांगी गई जीएसटी ऑन टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड सीड्स में क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन में इशू था बिटवीन द हेडिंग 1207 एंड 1209। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग में टैमरिंड सीड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि अगर आप किसी भी सीड को यूज करोगे फॉर एनी यूज अदर देन सोइंग तो उस पर जीएसटी रेट लगेगा 5%, ठीक है, और नील रेट कब अप्लाई होगा, ओनली टू द सीड्स फॉर दिस हेडिंग इफ यूज्ड फॉर सोइंग पर्पस। तो यहाँ बोला गया है कि इसीलिए टैमराइंड सीड्स अभी तक क्या किया जा रहा था, अभी तक इसका जो क्लासिफिकेशन था वो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग लेके, चाहे टैमराइंड सीड्स सोइंग के लिए थे या नहीं, 30 सितंबर 2021 तक उन्हें इस हेडिंग के अंदर लेकर नील जीएसटी रेट अट्रैक्ट किया जा रहा था। बट अब 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसका बाइफर्केशन कर दिया गया कि कोई भी सीड है वो अगर अदर देन सोइंग यूज किया जा रहा है तो 5% जीएसटी रेट अट्रैक्ट होगा और नील रेट कब लगेगा, जब वो सोइंग पर्पस के लिए होगा। इसीलिए एक
अक्टूबर 2021 से टैमराइन एंड अदर सीड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 1209 इंक्लूडिंग टैमराइन सीड्स इफ नोट सप्लायर सीड्स फॉर सोइंग वुड अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट 5%, यानी कि टैमराइन सीड्स के लिए 2 रेट हो गए, निल जब वो सोइंग के लिए यूज किया जा रहा है और 5% जब वो अदर देन सोइंग के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 से उस पर ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे, यानी पीछे का जो हो गया आगे के लिए उन्होंने ये रेट अब इस पर कर दिया है एप्लीकेबल। थर्ड पॉइंट है क्लैरिफिकेशन दी गई फॉर द डेफिनेशन ऑफ कोबरा, इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना उसमें कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट है जो हमारा इन हेडिंग 1203 उसमें बताया गया, कोबरा इज अ ड्राइड फ्लैश ऑफ कोकोनट जनरली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोबरा को यहाँ यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है फॉर कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्शन या कोकोनट कर्नल टर्न्स इनटू कोबरा व्हेन इट्स सेपरेट फ्रॉम, ये लिखा था हमारी हेडिंग 1203 में। और हेडिंग 0801 को अगर हम पढ़े तो वहां पे कवर है कोकोनट फ्रेश और ड्राइड बट एक्सक्लूड कोबरा, इसलिए जो एग्जाम्पशन थी यानी जो निल रेट है कोकोनट फ्रेश कोकोनट पे वो निल रेट कोबरा पे एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पशन अवेलेबल टू कोकोनट फ्रेश और ड्राइड वेदर और नॉट शेल्ड और पील्ड बाय एंट्री नंबर 47 जो हमारी नोटिफिकेशन है नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल टू कोबरा, अकॉर्डिंगली कोबरा क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग 1203। तो कोबरा को आपने इस हेडिंग के अंदर रीड करना है और इस पे जो जीएसटी रेट लगेगा वो होगा 5% वाइड एंट्री एट सीएल नंबर 66 जो हमारी नोटिफिकेशन है नंबर 1/2017 उसके हिसाब से, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज चाहे आप उसको किसी भी तरह से यूज करो, यानी कि फ्रेश कोकोनट पे हमारा रेट रहेगा नेल और कोबरा पे रहेगा 5%। सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन जो पर्सन इनमें डील करते हैं उनके। देन फोर्थ नंबर हमारी क्लैरिफिकेशन है हीना पाउडर एंड लीव्स पर, प्योर हीना पाउडर एंड लीव्स पर प्रेजेंटेशन दी गई, क्लैरिफिकेशन मांगा गया रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन हीना पाउडर एंड हीना लीव्स। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे दो हेडिंग सजेस्ट किए हैं, दो रेट सजेस्ट किए हैं कि प्योर हीना पाउडर और हीना लीव्स जिनमें कोई भी एडिटिव्स नहीं है उनको क्लासिफाई किया जाएगा अंडर टैरिफ आइटम 1404/1990 और उनपे जो रेट लगेगा वो होगा 5%, और जो जीएसटी रेट है मेहंदी पेस्ट इन कोन्स पे वो होंगे इन द हेडिंग 404/3305 और उनपे भी जो रेट लगेगा वो होगा 5%। और इसके लिए जो हेडिंग है ना हमारी 1404 वो क्या बोलती है ये भी इन्होंने बताया, 1404 बताती थी, 1404 इज अ एक्सप्लेनेटरी नोट्स व्हिच सेज वेजिटेबल प्रोडक्ट नोट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड, और फर्दर उसके एक्सप्लेनेशन में था इंक्लूड रो वेजिटेबल मटेरियल ऑफ अ काइंड यूज प्राइमरी इन डाइंग और टैनिंग, सच प्रोडक्ट आर यूज प्राइमरी इन डाइंग और टैनिंग इधर डायरेक्टली और इन प्रिपरेशन ऑफ डाइंग और टैनिंग एक्सट्रैक्ट, द मटेरियल मे बी अनट्रीटेड क्लीन ड्राइड ग्राउंड और पाउडर वेदर और नोट कंप्रेस्ड। तो यार कि क्योंकि हीना कहीं भी पर्टिकुलरली क्लासिफाइड नहीं है तो आपको इस हेडिंग के हिसाब से उसको ट्रीट करना है, हीना पाउडर हीना लीव्स एंड मेहंदी सभी पे रेट एप्लीकेबल सेम है 5%, बस हेडिंग का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मिल गया। देन अगला जो डिस्कशन है नंबर 5 एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी रेट ऑन सेंटेड स्वीट सुपारी एंड फ्लेवर्ड एंड कोटेड इलायची। मैं आपको सिंपली एक चीज बताना चाहूंगी कि जहां भी किसी भी चीज को प्रोसेस किया जाता है फ्लेवर्ड किया जाता है उसमें कोई फर्दर एडिटिव्स यूज किए जाते हैं तो वो फ्रेश नहीं मानी जाती, तो सेम ही यहाँ सुपारी एंड इलायची के केस में बताया गया है कि इसकी भी क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी क्लासिफिकेशन के लिए और एप्लीकेबल जीएसटी रेट के लिए। तो यहाँ बोला गया कि सेंटेड स्वीट सुपारी फॉल करेंगे अंडर द हेडिंग 2106/1930 एज बीटल नट प्रोडक्ट नोन एज सुपारी एंड अट्रैक्ट जीएसटी रेट 18%। फ्लेवर्ड एंड कोटेड इलायची जनरली कंसिस्ट ऑफ कार्डमम सीड एरोमेटिक स्पाइस सिल्वर लीफ सैफ्रन आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसीलिए ये डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये डिफरेंट है इलायची से और कार्डमम से। इट इज क्लैरिफाइड दैट फ्लेवर एंड कोटेड इलायची इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड फॉल्स अंडर सब हेडिंग 2106, इसीलिए इस पे जो रेट लगेगा वो लगेगा 18%, बेसिक इलायची वाला रेट नहीं लगेगा इसमें, हेडिंग नंबर 2106 का जो रेट है 18% वो एप्लीकेबल होगा बिकॉज दिस इज फ्लेवर और इसमें कुछ ना कुछ ऐड किए गए हैं फर्दर प्रिजर्वेटिव इसलिए।
अगला जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ब्रूअर्स ब्रांड ग्रेन, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन विद सॉल्युबल एंड अदर रेसिड्यूज. इनके लिए भी क्लासिफिकेशन एंड जीएसटी रेट का जो है क्लैरिफिकेशन मांगा गया था. तो इसमें जो फर्दर बताया गया है, इसमें बोला गया है कि इनपे जो हेडिंग है वो अट्रैक्ट होगी 2303 और जो रेट है वो अट्रैक्ट होगा 5%. आप अगर पढ़ना चाहें ये हेडिंग्स के लिए, मैंने कुछ जगह तो आपको पढ़ के बता दी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिन पर्संस पे ये एप्लीकेबल है वो इसे इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. वो हेडिंग की एक्सप्लेनेटरी नोट पढ़ सकते हैं और फिर जान सकते हैं कैसे उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी गुड्स है, उसमें फॉल करेगी. नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारी, स्कोप ऑफ जीएसटी रेट ऑन ऑल फार्मास्यूटिकल गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग 306. ये एक हेडिंग है 306 जो फार्मास्यूटिकल गुड्स के बारे में बात करती है ना. इसमें कुछ स्पेसिफिकली लिस्ट में नाम कवर है, मतलब कुछ चीजें कवर है, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है. इसलिए रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई टू फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबल रेट ऑफ गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 306 दैट आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द एंट्री एट सीरियल नंबर 65 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 डेटेड 28 जून. यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो गुड्स स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है फार्मास्यूटिकल्स गुड्स, क्या उन पे भी सेम हेडिंग अट्रैक्ट होगी? तो यहाँ पे पहले तो आपको बताया गया कि आप ये नोट 4 ऑफ चैप्टर 34 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट का, जो बताता है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये सभी इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, ये लिस्टेटिव लिस्ट होगी. दस इट इज क्लैरिफाइड दैट सेड एंट्री 65 कवर ऑल द गुड्स एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर नोट 4 इन टर्न कवर ऑल गुड्स कवर अंडर हेडिंग 306. इसीलिए सेड एंट्री 65 कवर ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग 306 इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट सच गुड्स आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द सेड एंट्री. देयरफॉर ऑल द गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग 306 अट्रैक्ट जीएसटी 12% अंडर एंट्री 65 इन द 12% रेट शेड्यूल. यानी कि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल गुड्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंट्री 65 क्या बोलती है नोट 4 में, स्टराइल सर्जिकल कैटगट मटेरियल, स्टराइल टिश्यू एडहेसिव फॉर सर्जिकल माउंट एक्सेट्रा, जो यहाँ पर मतलब लिखी है वो तो है ही, इसके अलावा भी जो फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं वो कह रहे हैं कि इस पे यही हेडिंग अट्रैक्ट होगी और इस पे जो जीएसटी रेट लगेगा वो लगेगा 12%. बात की गई ऑल लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड अदर गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग 3A22. यहाँ पे कंफ्यूजन थी, इस हेडिंग के लिए कंफ्यूजन थी कि जो जीएसटी रेट है 12% विच सेज इन एंट्री नंबर 80 ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स. इसके लिए रिप्रेजेंटेशन मांगी गई वेदर द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ 12% वुड बी अवेलेबल टू लेबोरेटरी एजेंट्स एंड अदर गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग 3A22. इसके लिए यहाँ पर क्लियर किया गया कि हेडिंग 3A22 कवर क्या करती है, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी रिएजेंट्स, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल एक्सेट्रा. द इशू वाज प्लेस्ड बिफोर काउंसिल एंड इट इज क्लैरिफाइड दैट इंटेंशन ऑफ दिस एंट्री वाज टू प्रिस्क्राइब जीएसटी रेट ऑफ 12% टू ऑल गुड्स वेदर डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी रिएजेंट्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 3A22. इट इज क्लैरिफाइड दैट कंसेशनल रेट ऑफ 20% इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर दिस हेडिंग बाय एंट्री नंबर 80 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर. ठीक है, तो 12% रहेगा हमारा लेबोरेटरी के जो हमारे ऑल गुड्स है उन पर. फिर अगला जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया गया है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल या इंपोर्ट असेंशियलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन ईच इंटर स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एट कंसेशनल जीएसटी रेट फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशन. इस केस में क्या होता था, जब इंटर स्टेट स्टॉक्स ट्रांसफर होती थी, यानी कि जो हमारा डिस्टिंक्ट पर्सन है वही एक अपनी ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब ट्रांसफर करता था तो उनको एक रिक्वायरमेंट थी ये सर्टिफिकेट लेने की. इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि क्या ये सर्टिफिकेट बार बार एवरी टाइम लेना है. तो यहाँ पे एक अच्छा रिलीफ दे दिया गया है, नो नीड फॉर टेकिंग अ सर्टिफिकेट एवरी टाइम ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द सेम कंपनी या स्टॉक ट्रांसफर सो लॉन्ग एज द गुड्स आर द सेम एज दोज इंपोर्टेड बाय द कंपनी एट द कंसेशनल रेट. तो एक रिलीफ दे दिया गया है, मतलब कंफ्यूजन थी क्योंकि कि ये बार बार सर्टिफिकेट लेना है या नहीं, तो सभी पर्सन जो ऐसा ट्रांसफर कर रहे थे, जो भी इसमें कॉल कर रहे थे, वो ले रहे थे ये सर्टिफिकेट एवरी टाइम. अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, आपको हमेशा एक बार लेना है ये सर्टिफिकेट, उसके बाद क्या करना है, इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश नेक्सस बिटवीन द स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन इन द असेंशियलिटी
सर्टिफिकेट, तो डिटेल बनानी पड़ेगी पर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन एक्सटर्नल बैटरीज सोल्ड अलॉन्ग विद यूपीएस सिस्टम या इन्वर्टर। इस पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी क्योंकि यहाँ दो रेट्स अट्रैक्ट होते हैं 18% एंड 28%, तो रेफरेंस मांगी गई थी, क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि वेदर यूपीएस सिस्टम या इन्वर्टर सोल्ड अलॉन्ग विद बैटरी एज इंटीग्रल पार्ट आर क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग 8507 जहां 28% जीएसटी लगता है या 8504 जहां पे 18% जीएसटी लगता है। तो इसको ऑब्जर्व किया गया और ये बताया गया दैट इवन इफ द यूपीएस एंड एक्सटर्नल बैटरी आर सोल्ड ऑन द सेम इनवॉइस देयर प्राइस आर सेपरेटली नोन। वो कह रहे हैं कि वेदर ये एक ही इनवॉइस पे आप बेच रहे हो पर क्योंकि इनका प्राइस आपको सेपरेटली पता है एंड दे आर टू सेपरेटली आइडेंटिफाइबल आइटम्स, इसीलिए दिस कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल आइटम ऑन वन इनवॉइस, देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट यूपीएस और इन्वर्टर पे लगेगा 18% और जो हमारी बैटरी है उस पे लगेगा 28%। ये क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया गया है। देन नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन थी सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स। इनमें हुआ क्या था कि इनमें एक 70-30 का रेशियो डिक्लेयर किया गया था 1 जनवरी 2021 से, यानी जो इनकी सप्लाई है इनमें 70% तो मानी जाएगी एज गुड्स की सप्लाई और 30% मानी जाएगी एज सर्विसेज की सप्लाई, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये एप्लीकेबल हुई थी 1 जनवरी 2019 से, तो क्लैरिफिकेशन यही मांगी गई थी कि जो 1 जनवरी 2019 से पहले हम कर रहे हैं काम उसका क्या होगा। यही पूछा गया था जो 70-30 वाला रेशियो है ये 1 जनवरी से तो आपने हमें बता दिया पर उससे पहले का क्या है, बिफोर 1 जनवरी 2019 हम इसे कैसे ट्रीट करें। तो काउंसिल में इसका डिसीजन लिया गया कि जो हमारे 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक का भी जो इसका होगा वो 70-30 रेशियो में ही होगा इन द सेम मैनर एज प्रेस्क्राइब फॉर द पीरियड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019 एज पर एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन नंबर 24/2018 डेट जो आई थी 31 दिसंबर 2018 को। However, this is important. It is specified that no refunds will be granted if GST already paid is more than the amount determined using this mechanism. तो यहाँ इस केस में बोल दिया गया कि ठीक है तुम शुरू से इसे अप्लाई कर लो, 70-30 वाला जो रेशियो है उसे शुरू से अप्लाई कर लो, बट अगर उसकी वजह से अब इस एप्लीकेशन की वजह से अगर आपका रिफंड बन रहा है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड ग्रांट नहीं करेगी। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। लास्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो है फॉर जीएसटी रेट ऑन फाइबर ड्रम्स वेदर कॉर्यूगेटेड और नॉन कॉर्यूगेटेड। अब यहाँ पे जो कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस होते हैं उनके लिए हेडिंग अट्रैक्ट होती है 4819, ये दो रेट देती है 12% एंड 18%। ठीक है, जहां पे जीएसटी रेट 12% लगता है फॉर कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस एंड कार्टन्स और अदर कार्टन्स फॉलिंग अंडर दिस हेडिंग वो अट्रैक्ट करते हैं 18%। अब यही डिस्प्यूट आ रहा था क्योंकि जो ये फाइबर ड्रम है इनमें थोड़ा बहुत पार्शियल कॉर्यूग्रेशन होता है। ठीक है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसके लिए यूनिफॉर्म जीएसटी रेट 18% एप्लीकेबल कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, अब ये रेट एप्लीकेबल हो गया 1 अक्टूबर 2021 से। अब बात आएगी कि अगर आप 12% चार्ज कर रहे थे 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2021 तक तो क्या कोई आपको बैलेंस पे करना पड़ जाएगा, क्या आपकी कहीं लाइबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है देयरफॉर नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ डिफरेंशियल टैक्स वुड अराइज, हाउएवर एज दिस डिसीजन हैज ओनली बीन टेकन टू रेगुलराइज द पास्ट प्रैक्टिस इन व्यू ऑफ सर्टेन एम्बिग्युइटी as detailed in para 14.1 no refund of gst already paid shall be allowed if already paid at 18% ना रिफंड मिलेगा और ना ही आपको लाइबिलिटी बनती है तो वो देनी होगी। तो ये थी गुड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा भी जीएसटी रेट्स में चेंज हुआ था, यहाँ तो मैंने आपके साथ सर्कुलर शेयर किया है नंबर 163। इसके अलावा भी जीएसटी रेट्स चेंज हुए थे 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, उसकी वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है उनके लिए जो इन गुड्स में डील करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जो इन क्लाइंट्स के साथ अपने इस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज की तरफ। इनकम टैक्स का हमारा डिटेल्ड कोर्स एक्टिव नए पोर्टल पे आपको सिखाया जाएगा कैसे आप आइटम 1, 2, 3 और 4 फाइल कर सकते हैं। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स कोर्स का कॉम्बो अवेलेबल है 990 फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर आपको फाइल करनी है विदाउट एनी एरर, तो 3 आवर्स का ये हमारा सेशन आप इससे लीजिए। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट जरूर ट्राई करिएगा। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।